Welcome friends, illustration number 3, page number 29, book, notebook, ruler, pencil, pen, everything तैयार रखने का, नहीं है तो मुझे पोस्ट करके वापस लेके आने का, ठीक है ना, always मुझे पोस्ट करने का, रिवर्स करने का, ये बात भूलने का नहीं, अपना फायदा देखो। I'm starting. टिक मार के लिए तैयार हो जा बेटा। ये रहा क्वेश्चन। Rucha and Julie are the partners sharing profit loss in their capital ratio. Underline capital ratio. From the following trial balance and the adjustments, you are required to prepare the final accounts. March 19. बाजू में लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह, नो प्लीज, आदत निकाल देना क्योंकि तो उसमें अपना टाइम जाता है। हाँ, कोई नया हुआ तो लिखना, परचेज, ट्रेडिंग, ट्रेड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर जो ट्रेड एक्सपेंस फर्स्ट आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर जो इसके साथ जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये चारों में से कोई एक दिया हुए तो, चारों में से कोई एक दिया हुए तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा, वरना ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इज इट क्लियर? चल फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, देख भाई पहले वेजेस है ना, ट्रेडिंग जो पहला होगा ना, जब भी कंबाइन देवे ना तो पहला देखने का आंसर वेजेस एंड सैलरी, वेजेस फर्स्ट देयरफॉर ट्रेडिंग। एडवर्टाइजमेंट 2 years, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस 2 years, मतलब 2 साल का पैसा एक साथ दिया है तो 1 year इज प्रीपेड। टिक मार्क करके रख, एडवर्टाइज पे देर इज अ सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट का एक इफेक्ट और उसके पीछे जो हिडन यानी कि सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट है एडवांस का, उसका 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड बैलेंस शीट एसेट। टिक मार्क एडवर्टाइजमेंट, 4,000 रुपया 2 साल का है, मतलब 1 साल का अदा कर रहे 2,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, जब सेल आवेगा टिक मार्क याद दिलाना रे, अभी ढूंढने को जाने का टाइम पास ना करने का। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट, ऑफिस रेंट प्रॉफिट लॉस, मोटर एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, देख जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस, मगर ऊपर देख ट्रेड एक्सपेंस था, तो पहले मैंने आंसर बताया प्रॉफिट एंड लॉस, अब उसके बाजू में टी लिख डाल, देख मैंने क्या पहले किसी को सॉल्व कराया था तो उधर टिक मार्क सब तैयार है, टी लिख डाल, पहले मैंने ट्रेड एक्सपेंस थोड़ी देर पहले प्रॉफिट एंड लॉस बोला था, हाँ, लेकिन अभी जनरल एक्सपेंस आया करके ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में शिफ्ट होना है, ट्रेड एक्सपेंस के बाजू बेटा टी लिख रहा है, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, आगे बढ़ना रे डेटर एसेट ले, कोल गैस फ्यूल प्रोडक्शन की आइटम रे ट्रेडिंग ले, कैरेज इनवर्ड यानी कैरेज ऑफ परचेज ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड यानी कैरेज ऑन सेल, आंसर प्रॉफिट एंड लॉस प्लांट एंड मशीन एसेट, कैपिटल रुचा जूली, आहा रुचा जूली 80-40,
कैपिटल कैपिटल में जाएगा 80-40। क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? ऊपर देख, मैंने अंडरलाइन किया है, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल रेशियो। मतलब उसका कैपिटल रेशियो बेटा अपने को देखने का, देख ले 80 और 40 है तो रेशियो हो गया 2:1। रूचा जूली रेशियो 2:1। क्रेडिटर सेल्स टिक मार्क कर, सेल पे रिटर्न था ना आरडीडी। बेटा ये ओल्ड आरडीडी है, कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, मोर और लेस बहुत बार आ चुका है, थियरी में भी मैंने सिखाया है। लेस फ्रॉम टोटल बैड डेट्स, लेस फ्रॉम टोटल बैड डेट्स, टिक मार्क बैड डेट्स, टेक फाइव बैड डेट्स है क्या? नहीं है, कोई बात, वेट फॉर अदर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू आरबीडी एडजस्टमेंट में से आएगा ना सब। अभी बैड डेट्स फिलहाल नहीं है, बैड डेट्स के चार मेंबर्स है, यू नो, बैड डेट्स फॉर द बैड डेट्स, न्यू आरबीडी एंड लेस ओल्ड आरबीडी हियर आर। नेक्स्ट बिल्स पेबल, लाभ रहे परचेस रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेस, टिक मार्क परचेस, टिक करना परचेस देखना फर्स्ट आइटम, चल एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एटेड कॉस्ट प्राइस 90,000 एट मार्केट प्राइस। रिपीट रिपीट बोलेगा तो चिल्ला जरा थोड़ा, हाँ पापा पापा पापा। बेटा तेरे को क्लोजिंग स्टॉक दो अमाउंट दिया, 88 एंड 90, यू विल टेक विच एवर इज लेस। 88 को दो इफेक्ट को देगा, ठीक है? ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट अभी रोज आता ही है ये। नेक्स्ट रूचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द पर्सनल यूज। बेटा बुक में बहुत मिस्टेक है, यहाँ विड्रॉन बोला है लेकिन क्या विड्रॉ किया बोला नहीं, रोकड़ा विड्रॉ किया या कोई चीज या गुड्स, अभी कुछ नहीं दिया, ठीक है गुड्स ले लेता हूँ मैं, लेकिन बोलना चाहिए था इट इज गुड्स विड्रॉन। मैं ऑथर हूं बेटा, तो जो भी चीज बोलूंगा बहुत समझदारी से बातें करूंगा, मेरा फायदा लेने का नॉलेज का। इसने बोला नहीं है देख तो रूचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस 3,000 2,000 रिस्पेक्टिवली, बेटा कैश क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन अभी कैश होगा तो उसका हिसाब बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है और ये क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। और क्वेश्चन को बचाने के लिए मैं गुड्स ले रहा हूँ, तेरे को समझा रहा हूँ, कॉलेज में मेहरबानी करके किसी से आर्ग्यूमेंट ये बात पे करने का नहीं। अंडरस्टूड? बोल दिया खत्म। हाँ दो ही फेक बोल रहे थे मेरे को, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, गुड्स गोज आउट व्हेनेवर गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग क्रेडिट, और पार्टनर ने लिया, पार्टनर का ड्रॉइंग कैपिटल डेबिट कर, नेक्स्ट डे अप्रिशिएट मोटर बाय 5%, प्लांट मशीन बाय 7%, टिक मार्क मोटर, टिक मार्क प्लांट, टिक टिक करना रे, हाँ टिक टिक करना रे, डेप्रिशिएशन, नेक्स्ट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। अरे न्यू आर डी डे, क्या बोला? न्यू आर डी डे, दो इफेक्ट देना रे, लेस फ्रॉम डेटर एड टू बैड डेट्स। यार यहाँ बैड डेट्स तो नहीं है, फर्दर बैड डेट्स भी नहीं है, खाली दोनों आरडीडी है, ये है न्यू एडजस्टमेंट और ऊपर था देख आरडीडी मिला क्या 1200, वो है ओल्ड। क्वेश्चन में सिर्फ दो ही है, ओल्ड एंड न्यू आरडीडी दोनों भिड़ेगा, न्यू के अमाउंट में से ओल्ड का अमाउंट माइनस करने का, बैड डेट्स नहीं है, फर्दर बैड डेट्स नहीं है, ठीक है? मान लो लिख लिया अपन ने बैड डेट्स, जल्दी जल्दी में फर्दर बैड डेट्स,
तो अमाउंट डैश करने का या तो नील लिखने का, क्योंकि तो तीन का अपन टोटल करते हैं ना, बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स वगैरह का, और फिर न्यू आरडीडी एड करके ओल्ड को माइनस करते हैं, तीन बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स न्यू आरडीडी तीनों का टोटल में से ओल्ड को माइनस करते हैं। मान लो मैंने चारों ऐसे लिख दिया अंधेरे में, और फिर मालूम पड़ा हाला बैड डेट्स नहीं है, फर्दर बैड डेट्स भी नहीं है, कोई बात नहीं, अमाउंट इनर डैश कर या तो मेल लिख, अगर जो लिखा है तो याद है तो खाली न्यू और ओल्ड, ज्यादा जगह भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, टिक मार्क देकर लेस फ्रॉम देकर और बैड डेट्स नहीं है वरना उस पर भी टिक मार्क करता। नेक्स्ट ऑप्शन वेजेस रुपीज 800, टिक मार्क वेजेस, देख वेजेस सैलरी कंबाइन लिया ना, टिक कर उधर, एड टू वेजेस सेकंड इफेक्ट लाभ रहे, एड टू वेजेस सेकंड इफेक्ट, याद रख भाई बाजू में मत लिख गंदा आदत हटा। सिक्स्थ गुड्स वर्थ ऑफ 6000 परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जरूरत लगे तो रिवर्स कर लेने का, मान लो कोई मेरा आंसर ठीक से सुना नहीं समझा नहीं तो रिवर्स करके वहां से वापस वही एडजस्टमेंट को रगड़ रगड़ रगड़ने का, खड़खड़ खड़खड़ कर बराबर फिट हो जाएगा, है ना। कभी होता है तो कोई कारण से कोई ध्यान नहीं रहा, कोई इधर उधर हो गया, घर में कोई बात हुआ वगैरह, तो रिवर्स करके वापस वो एडजस्टमेंट सुन लेने का कि दो इफेक्ट कहाँ है, टिक टिक किधर है ऐसा। लास्ट एडजस्टमेंट वंस मोर, गुड्स ऑफ 6000 परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, परचेज किया मगर एंट्री नहीं पास किया, अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड इट नाउ, जब भी कोई चीज अनरिकॉर्डेड हो ना बेटा इसको रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड इट नाउ, आंसर हैड टू परचेज, हैड टू क्रेडिटर, हैड टू परचेज, हैड टू क्रेडिटर, टिक मार्क परचेज, टिक मार्क क्रेडिटर, हेल्ले हेल्ले परचेज, सेकंड टिक मार्क, और क्रेडिटर क्रेडिट साइड देख रहे हैं, मिला क्या क्रेडिटर क्रेडिट साइड, टिक कर, ओके लाइन ड्रो कर, देख बेटा मेरा लाइन सब तैयार है, ये पक्की बात है, ठीक है बेटा, मेरा सब रेडी है कार्यक्रम, तू फटफट लाइन ड्रो कर, लगता है मैं फास्ट हूं तो मुझे पॉज करके रखने का, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने दो पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस रखा है क्योंकि मुझे जगह ये कभी कम पड़ता है ना, तो नेक्स्ट पार्टनर्स इट इज कैपिटल, करंट हो तो करंट एंड द बैलेंस शीट, फट फट चले, तू चाहिए तो पार्टनर्स का कैपिटल को ट्रेडिंग के नीचे छह लाइन सात लाइन दे दे, सुना क्या रे चल फटफट टू लाइन बना, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स कौन है, नाम नहीं दिया रे, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स नाम नहीं दिया रे, मैसर्स रुचा एंड जूली, मैसर्स चलो, इन द बुक्स ऑफ मैसेज रुचा एंड जूली, प्रॉफिट एंड लॉस टू पेज पे मैंने मेरे लिए लिया, तू एक पेज पे ले, इनफ है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019,
two columns, inner and outer, and it is partners capital account Rucha Jewelry. पार्टनर के नाम के नीचे रुपीस डालना रे रुचा ज्वेलरी, पार्टनर्स के नाम के नीचे रुपीस डालना रे। कैपिटल में तैयार हो गया, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 ले ले। मैं तैयार हूं, काम शुरू करूंगा। टोटलिंग अभी तेरे को आना चाहिए। हर क्वेश्चन में तेरे से भी कराया है, मैं भी चिल्लाता हूं और टाइम देता हूं। एवरी क्वेश्चन बेटा तू ट्राई जब तक नहीं करेगा ना, टोटल नहीं सीख सकेगा। पक्की बात बोलता हूं, मिस्टेक तो मिस्टेक, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखा है टोटलिंग से डरते हैं। कोई मतलब नहीं है ना, एक बार सीख ले, लाइफ टाइम तेरा हो गया एसेट। अब क्या 11th में अपन काम नहीं कर सके, 12th में भी नहीं करेंगे, कैसे चलेगा? तो प्लीज डू इट बाय योर ओन। मिस्टेक होता है, होने देने का। चल हम क्वेश्चन चालू कर रहा हूं, यदि मैं फास्ट हूं तो मुझे पॉज कर देना और फिर चालू करना। फर्स्ट आइटम प्लीज सीख परचेस न्यू फर्स्ट लाइन फॉर ओपनिंग स्टॉक परचेसेस। बेटा देयर आर टू टिक मार्क्स 48,000, ठीक है। लीव अप्रोक्सीमेटली 3-4 लाइन्स। अगर जो लगता है तू स्लो है, मुझे पोस्ट करके रखा है स्टार्टेड, जो स्लो है बच्चे कभी कोई कारण से, पोस्ट करने का वापस स्टार्ट करने का, चाहिए तो थोड़ा रिवर्स भी जरूरत लगे तो करते रहने का, मगर नहीं समझे छूट जावे ये फालतू बात नहीं करने का। मेरा फायदा ले, टेक्नोलॉजी का फायदा ले। एक एक क्वेश्चन दो बार करने का, एक बार हो जावे दूसरे दिन वापस रगड़ खुद अपने आप, देख कितना तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन गारंटी देता हूं मैं, बच्चा अपने आप होशियार बनता है जब खुद करता है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। चल ट्रेड एक्सपेंस बेटा ट्रेडिंग में जा रहा है, आने दीजिए। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जा रहा है, आने दीजिए। चलिए इट इज ट्रेड एक्सपेंस, क्योंकि जनरल एक्सपेंस दिया है, वरना ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा सैलरी। बेटा फर्स्ट लाइन बोथ द साइड्स प्लीज लीव ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए, एंड देन प्लीज राइट सैलरी 4,500 आउटर कॉलम। अमाउंट जरा ठीक से लिखना प्लीज। लास्ट में तुझे टोटलिंग करना है एज यू नो। अमाउंट जरा ठीक से लिखना प्लीज। लास्ट में तुझे टोटलिंग करना है, कोमा वगैरह बराबर करने का। ये जरूरी बातें सब मैं बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। जरूरी चीज यहां से हटा देता हूं। नेक्स्ट देख तो कौन है भाई, वेजेस एंड सैलरी। ओ बाबू टिक मार्क है, देख वेजेस है, देख पहले वेजेस ट्रेडिंग में चले, वेजेस एंड सैलरी। ओ बच्चा टिक मार्क है, 2,800 ले, इनर ले लीव लाइनर, इनर ले लीव लाइनर। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट 2 years आर ए प्रॉफिट एंड लॉस
टू एडवर्टाइजमेंट इन टू ब्रैकेट टू इयर्स इन अ कॉलम अमाउंट 4000 एडवर्टाइज 2 years with a self-evident adjustment always do immediately less from advertisement prepaid advertisement 2000 you see prepaid advertisement 2000 you see beta dekh le outer 2000 or second effect prepaid advertisement asset side second effect prepaid advertisement second effect asset 2000 next सेल्स रिटर्न बच्चा सेल्स नहीं आया रिटर्न आ गया कोई बात नहीं जस्ट राइट द आइटम सेल्स विदाउट अमाउंट अमाउंट आएगा जब क्वेश्चन पूरा पड़ेगा ना तो बीच में कहीं ना कहीं सेल्स भी आने वाला है कॉमन सेंस की बात फिलहाल सेल्स रिटर्न का अमाउंट इनर में लिख के छोड़ दे 8000 sales return less from sales 8000 next freehold property asset outer tick mark nahi hai freehold property 23000 amount meharbani karke theek se likhna टोटलिंग अपने को करना है नेक्स्ट ऑफिस रेंट 5000 चल बेटा ऑफिस रेंट 5000 नेक्स्ट मोटर वैन एसेट 40000 न्यू लाइन मोटर वैन 40000 न्यू लाइन टिक मार्क इज दैट डेप्रिसिएशन उसके ऊपर है नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक आया देख opening stock 89500 next general expenses profit and loss outer 2500 general expense profit and loss next sundry debtor beta dekh to tick mark hai kya hai inner column leva line debtor inner लेबर लाइन नेक्स्ट कोल गैस फ्यूल ट्रेडिंग कोल गैस फ्यूल आउटर 1000 नेक्स्ट carriage inward trading
कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग कैरिज आउटवर्ड 1300 कैरिज आउटवर्ड 1300 प्लांट एंड मशीनरी थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड इनर कॉलम टिक मार्क इज देयर By balance brought down capital in capital account, Rucha and Jewelry, 8,000, 4,000, 8,000, 4,000. Hey, bacha, profit sharing ratio, in capital ratio, suna kya? Aur capital ratio 80,000, 40,000, yane 80, 40, yane 8 is to 4. चार कॉमन यानी 2:1 डायरेक्ट कर सकता है मैं टाइम पास कर रहा हूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 ठीक है नेक्स्ट क्रेडिटर्स नेक्स्ट क्रेडिटर्स बेटा टिक मार्क है देख तो इनर ले तो देव भाई Next, sales 1,48,000. Hayadik sales. Return तैयार है. Minus करके बाहर आ जा बेटा. 1,48,000. 1,48,000. चल आरडीडी ओल्ड बेटा क्वेश्चन में दो आरडीडी है एक न्यू याद हो तो नहीं तो पूरा बैटर्स का परिवार लिख डालने का और फिर जो नहीं है उसके सामने नहीं लिखने का बैटर्स के परिवार में चार लोग हैं दो नहीं है तो दो का नहीं लिखने का और क्या ठीक है तो न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी इधर मुझे याद है तो चारों लिखने की जरूरत नहीं है Old RDD 1200. Profit and loss. Debit. Next, bills payable. Liability 12,000. Next, purchase return. लेस फ्रॉम परचेज ये बाद में करो पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता है परचेज रिटर्न क्योंकि अनरिकॉर्डेड परचेज आने वाला है एड होगा तो टोटल परचेज में से रिटर्न माइनस करो तो भी चले पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता है अमाउंट 42 इनर क्योंकि एक एडजस्टमेंट और आने वाला है देख ले Purchase return, less from purchase. With that, my trial balance over. जरा आपने आपको check कर तूने बराबर सभी fact दिया है कि नहीं लगता है तो मुझे post कर डालने का ताकि तेरा checking हो जाए और बराबरी है मालूम है तो चल मेरे साथ अपन चलते हैं adjustment की ओर ठीक बेटा एडजस्टमेंट फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक 88 एट द कॉस्ट एंड 90,000 एट मार्केट प्राइस ट्रेडिंग क्रेडिट
by closing stock. Whichever is less, you know, 88. Asset. Closing stock. चलो क्लोजिंग स्टॉक चल बेटा नेक्स्ट रोचन ज्वेली विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस 3000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली फॉर द पर्सनल यूज. It will be considered as goods withdrawn. मतलब business में से goods गया rare trading credit. By goods withdrawn by partner. Rucha Julie. टोटल बोले 5000 आउटर ले रहे हैं गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर रुचा जुले ट्रेडर 5000 सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ड्रॉइंग टू गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स for personal use. Rucha में 3 लाख, Julie में 2 लाख, खाली goods withdrawn लिख तो भी चलेगा. It is drawing, sure. Next, adjustment number 3. लगता है मैं थोड़ा भी fast हूँ पोस्ट कर रिवर्स कर मगर मेरे साथ रहना प्लीज पीछे नहीं चलेगा मैं बहुत रीजनेबल स्पीड से जा रहा हूं. यस कि बच्चा एवरेज हो मेरे साथ रहे मेरे से आगे रहे तो बहुत मैं खुश हूं. और फिर भी लगता है तू कभी स्लो हो गया तो मुझे पोस्ट कर रिवर्स कर मगर प्लीज पिछड़ना नहीं. चल बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3. Depreciate motor by 5% and plant by 7%. Motor depreciation 5%. कितना आएगा बेटा? Depreciation motor 5% कितना आएगा? 2000 outer 38000. Outer 38,000. Second effect, profit and loss. To depreciation owner. To depreciation owner. इसको heading बना motor 2000. Inner. क्योंकि एक और adjustment आने वाला है. Motor. It is inner 2000. बेटा प्लांट एंड मशीन का कितना है? 7%. ले तो गिन तो प्लांट एंड मशीन में से लेस कर डेप्रीशिएशन कितना परसेंट बोला मैंने? 7%. बेटा 7% कैसे ढूंढने का जरा देख तो 13,800. If you remove last two zero, you get 1%. यानी देखा क्या? 138. आप बोलेंगे सर आपको 7% चाहिए 1% नहीं. कोई बात नहीं बेटा इसको 7 से मल्टीप्लाई कर डाल 7 8 56 का 6 कैरी 5 7 3 21 एंड 5 26 का 6 कैरी 2 7 1 7 एंड 2 9
answer 966. Check it. To begin with, 966 minus kar beta. Depreciation minus kar. Outer 12,834. Beta, second effect. Profit and loss. Debit. वो मोटर के नीचे लिख डाल प्लांट एंड मशीन 966 टोटल 2,966 नेक्स्ट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेट ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड Reserve for doubtful debt on debtor 5% to be created. Beta aa jaao. Debtor 62,000. Uspe 5% le to. Remove 10, you get 10%. Aadha kar. 3,100. Do you agree with me? Beta, new RBD, it is 3,100, 5%, और इसको माइनस कर दे बच्चा, इसको माइनस कर दे बच्चा, आउटर ले ले, चल तो, Do you agree with me? Beta, देख ले 58,900 debtor outer if you have minus. चल next adjustment मैं आगे बढ़ूंगा देख तो adjustment number 5 outstanding wages rupees 8 minute. ये न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट मेरे को दे देने दे बच्चा बातों बातों में रहना जाए न्यू आरडीडी 3,100 बेटा पहले प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में न्यू आरडीडी 3,100 और देख ओल्ड आरडीडी 1,200 नीचे खड़ा है तेरा इंतजार करके माइनस कर दो 1,900 प्लीज सी RBD का नेट अमाउंट आउटर कॉलम 1,900 बैड डेट्स नहीं है फर्दर बैड डेट्स नहीं है नो प्रॉब्लम चल नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 बेटा वेजेस में ऐड कर आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट 2,800 है 800 ऐड कर 3,600 और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी 800 चल गुड्स ऑफ 6,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट गुड्स परचेज बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा यह है परचेज जिसको लिखा नहीं था अनरिकॉर्डेड परचेज एड कर परचेज में एड टू परचेज अनरिकॉर्डेड परचेज कितना अमाउंट बेटा 6,000 आउटर
48,000. Outer 48,000. बेटा साथ में क्रेडिटर में भी ऐड कर दो, अनरिकॉर्डेड परचेस लायबिलिटी में क्रेडिटर में ऐड कर अनरिकॉर्डेड परचेस बेटा 6,000 टोटल 28,000. Is it clear? Two effects, don't forget. Add to creditors 28,000. Declare it was the last adjustment. Come sum up. अब टोटलिंग करना है और ईमानदारी से टोटल शुरू कर बेटा, देख घबराने का नहीं। चल लगता है मैं फास्ट हूं, फोर्स कर देना, मगर टोटल हो सके खुद करना। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट द लाइन यू सिलेक्ट, उसके नीचे दो लाइन करना जहां भी तू टोटल करेगा। लास्ट का 3-0 तो ऐसा ही चाहेगा, मुझे दिख रहा, तेरे को भी दिख रहा होगा। रेडी 8 and 5 चालू करो बेटा। 8 and 5 13 का 3 कैरी 1 को देखना पड़ेगा, कैरी 1 4 के ऊपर देख, मैंने ऐसा 1 किया, दिख रहा तेरे को? ज्यादा गाढ़ा नहीं करता हूं मगर तेरे को दिखना चाहिए। 1 and 4 5 and 8 13 का 3 कैरी 1 and 1 2 टोटल बोले 2,33,000 बेटा। टिकट 2,33,000 बेटा। चल भाई ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते हैं 2,33,000। बुक का टोटल गलत इसलिए है क्योंकि उन्होंने एकाध एडजस्टमेंट वैसा लिया जो ऊपर दिया नहीं है। हर क्वेश्चन में तूने लास्ट टाइम भी देखा, अभी भी देखा, आज भी देखेगा और भी भविष्य में देखेगा, देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स, प्लीज नो नीड टू डिस्कस। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुझे सिखाने में इंटरेस्ट है। तो उन लोग का क्यों गलती होता है, कैसे गलती, सॉरी अपने को अपना काम करने का, अपन सही कर रहे हैं, दैट्स इट। सुना जैसा क्वेश्चन है मैं ऐसा तेरे को सॉल्यूशन दे रहा हूं। चल ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर। हाँ लास्ट का 2-0 ऐसा ही, चेक इट 5 and 6 11 and 8 19 19 आई वांट 0 19 प्लस 1 20 का 0 कैरी 2 दिख रहा है क्या? 2 9 के ऊपर लेके गया मैं, दिख रहा है क्या? Ready? 2 and 9 11 11 and 8 19 and 3 22 and 3 25 and 1 26 26 I want 3 26 plus 7 33 ka 3 carry 3 33 ka 3 carry 3 3 and 8, 11 and 4, 15, 15, I want 3, 15, 15, I want 3, so 15 plus 8, 23 ka 3, carry 2, 2 ka 2, answer 87,100, gross profit 87,100, chal beta. 87,100 को प्रॉफिट एंड लॉस में ले ले बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है बेटा,
टोटल के ऊपर मुझे 5-6 लाइन चाहिए, इधर ध्यान रखना मेरा थोड़ा कंजक्शन होगा क्योंकि सेकंड पेज है, ऐसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तेरे को यहीं पे जरा करा दूंगा, तो जरा ध्यान रखना बेटा। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, सेम टोटल, जस्ट यू कॉपी डाउन 87,100, 87,100, ठीक है बेटा। कितना आता है नेट प्रॉफिट अभी फाइंड आउट कर, और दोनों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कैपिटल रेशियो बोला है 2:1 में अपन डिवाइड करेंगे। प्लीज कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, दोनों में अपने को डिवाइड करना है। हाँ फाइंड आउट कर, अपने आप प्लीज ट्राई कर, मैं पहले से बोल रहा हूं, जितना तू करेगा उतना तेरे को आनंद ज्यादा आएगा। चल 0006, आई वांट 0, 6 प्लस 4, 10 का 0 कैरी 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड 6, 7, 7 आई वांट 0, 7 प्लस 3, 7 प्लस 3, 10 का 0 कैरी 1, कर रहा है ना, मेरे साथ रहे, मेरे से आगे रहे तो बहुत खुशी की बात है। चल अभी 100 का डिजिट का टोटल मार्क 1 एंड 5, 6, 1 एंड 5, 6 एंड 5, 11 एंड 3, 14 एंड 9, 23 एंड 9, 32, 32, 32, बेटा मेरे को 1 चाहिए, 32, 32, मेरे को 1 चाहिए, तो 32 प्लस 9 तो हो गया ना 41, 1 आ गया ना, 41 का 1 कैरी 4, देख मैं कैसे लिखता हूं ऊपर, 4A कैरी 4, मेरा कर बराबर, तू भी कैलकुलेशन कैरी 4, चलो 4 and 4 8 and 2 10 and 5 15 and 2 17 and 1 18 and 1 19 and 2 21, 21 I want 7, 21. I want नीचे देख 7, 21 प्लस 6, 21 प्लस 6, तो 27 का 7 कैरी 2, दिख रहा है बेटा, एंड 2 नीचे 8 है बेटा, 2 नीचे 8 है तो 6, 66,934 is my net profit. Check it. यार भी लगता है कि तू स्लो है तो मुझे पोस्ट कर, रिवर्स कर, मगर कर यार तू खुद टोटल कर, ये बहुत बड़ी बात है। टोटली जितना तू करेगा मजा तेरे को उतना आएगा। कॉपी करने से कोई इंसान आज तक आगे नहीं बढ़ा है। चल बेटा 66,934, इसके सामने दूसरा पार्टनर का नाम लिख जुली, और उसके ऊपर पहला पार्टनर का नाम लिख रुचा, रेशियो 2:1, अभी देख 66,934 बेटा, इसको 2:1, 2:1 इधर मैं कर रहा हूं वर्किंग, 2:1 बोलेगा तो 2 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, सुना ना, ये 3 बोलेगा तो 2 एंड 1, 3 ऐसा होता है। तो पहले जूली मुझे लग रहा है इजी जाएगा तेरे को, डिवाइड बाय 3, 66,000, 66,934 को डिवाइड बाय 3 कर रहा हूं, देख तेरे सामने 3 2 जा 6 0, ऊपर से 6 आएगा, 6, 3 2 जा 6 0, ऊपर से 9 आएगा, 3 3 जा 9 0, ऊपर से 3 आएगा, 3 1 जा 3, ऊपर से 4 आएगा,
और थ्री वन जा थ्री, एक बचेगा, ठीक है ना बेटा, एक बचा। कैलकुलेशन तेरे सामने किया हूं, डिवीजन अप्रोक्सीमेटली 22,311, 22,311, ये एकदम परफेक्ट डिवीजन नहीं है, क्योंकि तो तीन से वो डिवीजन नहीं हो सकता 66,934 का, 34 बोलेगा तो लास्ट का डिजिट 4 है, वो इवन नंबर है और तीन ये ऑड है, डिवीजन नहीं हो रहा है बेटा, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो जो आ रहा है उसको ले ले, 22,311 ले, 12 ले, एक आध रुपया इधर उधर चलता है, लेकिन हाँ टोटल वही आना मिलता है 66,934, सुना? चल हाँ, अभी तो रुचा का ढूंढ, रुचा का ढूंढ मत, एक काम कर, 66,934 में से है ना ये 22,311 माइनस कर, सुना क्या स्टाइल, ठीक है, तो कितना आएगा जरा देख ले, माइनस कर अपने आप प्लीज, 44,623, देख दोनों का टोटल मिलकर 66,934 ही होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं भी चेक कर रहा हूं, 66,934 दोनों का टोटल होना जरूरी है, एक रुपया पहले एक रुपये को एडजस्ट कर दिया अपन ने, है ना, फिर नेट प्रॉफिट में से जूली का 22,311 मैंने माइनस किया, रुचा का अमाउंट मिल गया 44,623, गिनेगा तो भी वही आएगा, चिंता मत कर, लेकिन इतना ध्यान रखना दोनों का टोटल 66,934 ही आना चाहिए, ठीक है। चलो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 44,623 पर रुचा और जूली का देख 22,311 बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बेटा अभी पार्टनर्स का टोटल कर शांति से कैरी डाउन ढूंढ, एक एक पार्टनर एट अ टाइम, 3, 2, 6, 4, 8 and 4, 12, 124,623, टू बैलेंस कैरी डाउन, चेक इट, 121,623, चेक इट, कैरी डाउन फॉर रुचा, गो फॉर जूली, 1, 1, 3, 2, 6, 62,311, balance carried down, 60,311, बेटा इसको लैब में ले ले दोनों पार्टनर्स को, चल तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो, रुचा जूली Rucha 121,623 और Julika 6311
टोटल दोनों का बाहर ले ले बच्चा, और बेटा फिर शांति से बैलेंस शीट का टोटल मार, देख दोनों बाजू टेली हो जाएगा, शांति से काम। आराम से कर, मैं हर क्वेश्चन में तेरे को टाइम दिया है, अभी भी दे रहा हूं, टेली होगा ही, आराम से। ट्रायल बैलेंस टेली होता है, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट दिया होता है, मतलब वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, बेटा ये टेली हो जाता है। कर बिंदास कर, मैं चाहता हूं तू कर, जरूरी है बेटा, डरने का नहीं, मिस्टेक होने देने का। एक मैं रोज बोलता हूं मिस्टेक से मैं डरता नहीं है, मेरा भी मिस्टेक होते रहता है, क्या करने का, काम करेगा तो मिस्टेक तो कहीं होएगा ही ना भाई, क्या है वापस का, चल मैं भी करता हूं, नथिंग रॉन्ग, डरने का नहीं होता। और एक बार तेरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, देखना मिस्टेक भी नहीं होगा। श्योर, टेल इट बेटा, मैं यहां रुकूंगा, एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू, रिपीट करना प्लीज आप।